हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास सेवेंथ साइंस चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्रीवियस वीडियोस में जो था हमने रिप्रोडक्शन के बारे में देखा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखे, फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से प्लांट्स में होता है, पार्ट्स जो होते हैं गैमिट्स जिन्हें हम कहते हैं उनके बारे में देखा, फिर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पर जाके ये वीडियोज़ देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फ्रूट्स एंड सीड डिसफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है और एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होने लगता है। अब एम्ब्रियो डेवलप होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा और फ्रूट में जो है वो सीड्स होंगे, है ना। कुछ प्लांट्स में उनके फ्रूट्स ही सीड्स होते हैं, लाइक हम वीट देखें, है ना, मेज़ देखें, ये सब जो इनके फ्रूट्स ही सीड्स हैं। अब कुछ में फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं लाइक एप्पल मैंगो, ठीक है, तो हम आज इन्हीं के बारे में देखेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है वो ग्रोथ होने लगती है फ्रूट में और बाकी के जो पार्ट्स होते हैं पीटल्स सीपल्स, है ना, वो सब गिर जाते हैं। द फ्रूट इज़ राइपन्ड ओवरी, फ्रूट जो है वो एक पकी हुई ओवरी है। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, और अंदर जो ओव्यूल्स हमने देखे थे, है ना, स्ट्रक्चर में ओव्यूल्स मैंने आपको बताए थे, है ना, जो स्ट्रक्चर में ये जो ओव्यूल्स थे प्रेजेंट्स होते हैं ओव्यूल्स, वो जो होते हैं ये ओव्यूल्स जो थे ये सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ना, ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। द सीड कंटेन द एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। अब सीड जो है वो किस में, एम्ब्रियो में जो सीड कोट रहता है उसके अंदर प्रोटेक्ट रहता है ना, सुरक्षित रहता है। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज, सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्लैशी मतलब उसमें गुदा होता है ना, पल्पी रीजन निकालते हैं, और जूसी होते हैं जैसे मैंगो और ऑरेंज, और कुछ फ्रूट्स जो होते हैं हार्ड होते हैं जैसे आलमंड्स बादाम वगैरह जो है वो, ठीक है। ये 11.12 ये देखिए, ये 1.2 and 1.3 पिक्चर्स में 1.2A and 1.2B ये जो है ये दिखाई दे रहे हैं दो तरह के। ये एप्पल देखिए फ्लैशी है, ये हार्ड है, है ना। अब हम आ रहे हैं सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल मतलब होता है सीड का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। यदि सीड डिस्पर्स नहीं होंगे तो प्लांट्स एक ही जगह रह जाएंगे, वो दूसरी जगह किस तरह से ग्रो कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए सीड जो है वो डिस्पर्स्ड होते हैं ताकि हर जगह जो है प्लांट्स पहुँच पाएँ। इन नेचर सेम काइंड्स ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। नेचर में एक ही तरह के पौधे अलग अलग जगह दिखाई देते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेज। ये इस कारण हो पाता है क्यों, क्योंकि सीड डिस्पर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक सीड्स जाते हैं। समटाइम्स आफ्टर ए वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और ए फील्ड और ए पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट स्टिकिंग टू योर क्लॉथ। कई बार आपने देखा होगा जंगलों में घूम रहे हैं आप, किसी फील्ड में है या पार्क में है, तो कुछ सीड्स जो होते हैं या फ्रूट्स जो होते हैं वो चिपक जाते हैं आपको कपड़ों पे। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दिस सीड्स वेयर क्लाइंगिंग टू योर क्लॉथ्स, किस तरह से चिपक जाते हैं, तो होता क्या है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ ऑल सीड्स आर प्लांट्स वेयर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड गो देयर। अगर ये एक तरह से दूसरी जगह तक नहीं जाएं और सारे सीड्स एक ही जगह ग्रो कर जाएं तो क्या होगा, उनमें कॉम्पिटिशन हो जाएगा सनलाइट वाटर मिनरल्स और स्पेस के लिए। एज ए रिजल्ट द सीड्स विल नॉट ग्रो इन टू ए हेल्दी प्लांट्स, और इस कारण से जो सीड्स होगा एक हेल्दी प्लांट में ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना। प्लांट्स बेनिफिट बाय द सीड डिस्पर्सल, प्लांट को फ़ायदा होता है सीड जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है तो उसके कारण वो ग्रोथ आसानी से कर पाता है। इट प्रिवेंट्स कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट्स ओन सीडलिंग एंड फॉर सनलाइट। अब देखो इसके कारण प्लांट्स कॉम्पिटिशन में नहीं होता है, मतलब कि उससे जगह अच्छी मिल जाती है, न्यूट्रिशन अच्छा मिल जाता है, वाटर मिनरल्स अच्छे मिल जाते हैं। इट ऑल्सो एनेबल्स द प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके कारण से प्लांट में
नई जगह के लिए, नए हैबिटेट के लिए भी एडोप्टेशन आ जाता है, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ग्रो कर पाता है, एक ही एरिया में नहीं रहता है। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरीड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। सीड्स और फ्रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के, एक जगह से दूसरी जगह तक किस किस के थ्रू जाते हैं? विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू एंड एनिमल्स के थ्रू। विंड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल, ये देखो ये सीड ड्रमस्टिक एंड मैपल का बताया गया है। सीड्स ऑफ ग्रास आर हेयरी, सीड्स ऑफ मदार एंड हेयरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर, ये देखो मदार एंड सनफ्लावर का, ये ग्रास वाले ऐसे है ना। गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फॉर अवे प्लेसेस, ये हल्के सीड्स रहते हैं इसलिए हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, कुछ सीड्स जो होते हैं पानी के थ्रू जाते हैं जैसे कोकोनट। दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन फॉर्म ऑफ स्पंजी और फाइब्रस आउटर कोट एस इन द कोकोनट। अब देखो इनके कारण क्या होता है, फाइब्रस आउटर कोट होती है इनकी, जैसे हमने कोकोनट में देखा था है ना, तो इस कारण से। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, कुछ सीड्स जो होते हैं वो एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं। अब इसके लिए क्या होता है, इनमें स्पाइनी सीड्स होते हैं ताकि वो उनकी बॉडी पे अटैच्ड हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं, जैसे जेंथियम है, यूरेना है, ठीक है। अब फिर कुछ चीज़ें, कुछ सीड्स कैसे होते हैं, व्हेन द फ्रूट बस्ट एंड सडन जर, कई बार जो फ्रूट्स होता है वो बस्ट होता है और उसके कारण जो सीड्स हैं वो पेरेंट प्लांट से इधर उधर फूट जाते हैं, जैसे कि केस ऑफ कैस्टर एंड बालसम में। कुछ सीड्स आपने देखा भी, हम एक जगह से दूसरी जगह फ्रूट्स लेके जाते हैं कहीं टूर वूर पे और हम वहाँ खाते हैं, वहीं फेंक देते हैं, तो इसके थ्रू भी डिस्पर्शन ऑफ सीड्स होता है। इस तरह से डिफरेंट वैरायटी के थ्रू जो है वो सीड डिस्पर्शन की प्रोसेस होती है। आज ही हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग, एक बार वीडियो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। थैंक यू सो मच।